देश के सबसे लोकप्रिय कथा व्यास और युवा संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, वे इन दिनों दमोह में चल रही श्री राम कथा में शामिल हुए हैं। दमोह में चल रही इस राम कथा के दौरान देश भर के लोग दमोह में एकत्रित हो गए हैं और अपने गुरु की कथा में तल्लीन है। इस दौरान जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दमोह में बनाए गए अपने निवास स्थल से कथा स्थल की ओर जाते हैं, तो दोनों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। उनके काफिले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह उनके भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े नजर आते हैं। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच उनका वाहन जब श्रद्धालुओं के बीच से गुजरता है, तो श्रद्धालु उनकी ओर पुष्प वर्षा करते हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के ये श्रद्धालु देश भर से उनकी कथा को सुनने के लिए दमोह में पहुंचे हैं। देखिए उनके कथा स्थल तक जाने के इस काफिले को और इन तस्वीरों को।